थर्ड ईयर का अपना अगला चैप्टर रहते हैं। फर्स्ट पेपर का क्लास रेप्टिलिया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्नैक्स, छिपकलियाँ और कछुए और अन्य रेंगने वाले जो जंतु हैं, क्रोकोडाइल वगैरह आदि इसमें आते हैं। आज हम इनके सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू लिव ऑन लैंड। पूर्णतया से ये स्थल पर रहने वाले जो है जंतु हैं। एमपीपी के बाद में इनका इवोल्यूशन है, तो पूर्णतया जो स्थलीय है वो ये रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं। स्केल्स कीप मॉइस्चर इनसाइड, इनकी जो त्वचा होती है उस पर सल्कीय त्वचा होती है जो उनको शुष्कता से बचाती है। रेप्टाइल्स एक डू नॉट ट्राई आउट ऑन लैंड, के अंडे जो होते हैं वो उन पर कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाता है तो वो ड्राई नहीं हो पाते। लिव इन ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स है, लेक्स है आदि। कोल्ड रीजन में नहीं पाए जाते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, स्थिर नहीं है, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, जैसे मेमल्स है, वीज है, उसकी पक्षी जो है उनकी तरह। तो ये एक एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। बॉडी कवर्ड इन स्केल्स, शरीर पर सेल्क पाए जाते हैं। क्लोटोज के जो अग्रपाद पशुपाद जो वो पंजों ग्रुप में होती हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं और इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होगा, बाहरी वातावरण पर डिपेंड करता है। फीदर्स नहीं पाए जाते किसी प्रकार के, आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ए हार्ट विथ ए पार्शल डिवाइडेड वेंट्रिकल, हृदय जो वो जिसमें आंशिक रूप से वेंट्रिकल का विभाजन होता है, यानी मुख्य त्रिकोष्ठी होता है लेकिन आंशिक रूप से जो है जो नीले वो विभाजित होना शुरू हो जाते हैं। और क्रोकोडाइल जो है उनमें पूरी तरह से चतुष्कोष्ठी हो जाता है। श्वसन के लिए फेफड़े हैं, आंतरिक रूप से निश्चित पाया जाता है, रिप्रोड्यूस इंटरनली आंतरिक निश्चित पाया जाता है। और इनके जो अंडे हैं वो एमनियोटिक एग्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इनमें पाई जाती है। एक स्ट्रॉन्ग स्केलेटन, मजबूत इनका अंतःकाल होता है, क्लोज पाए जाते हैं पंजे के रूप में। लेग्स पोज अंडर द बॉडी, जो अगर पाद पश्चपाद है वो बॉडी के नीचे रहते हैं। हाईली डेवलप्ड विजन इनमें पाई जाती है, दृष्टि जो होती है वो इनकी बहुत ही ज्यादा विकसित होती है, जो इनके शिकार करने में सहायक है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, देर इनको एक लिमिटेड हैबिटेट में इनको रहना होता है। रेप्टाइल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स, अस्थियों को बना हुआ मजबूत अंतःकाल होता है। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है, चतुष्पादी है, टेट्रापॉड है, तो दो जोड़ी में पैर होंगे। स्नैक्स एंड सम लिजार्ड्स लेग्स, में कुछ जो स्नैक्स हैं और छिपकली उनमें लेग्स नहीं पाई जाती है। लेग्स पोजिशन अंडर द बॉडी रहती है, तो उसे इन सरीसृपों को मूव फास्टर, तेज चलने में और आसानी से चलने में इनमें सहायक होती है इनकी जो लेग्स हैं। जो क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं, उनका इस्तेमाल चढ़ने में, क्लाइंबिंग और डिगिंग, बिलकारी जो होते हैं जमीन को खोदने में इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इनको तेजी से दौड़ने में भी इनके सहायक हैं पंजे। विजन जो है, विजन बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके लिए। रिलाई ऑन साइट टू डिटेक्ट प्रीडेटर्स एंड प्रे, यानी जो शिकार जो है, या इनका जो शिकारी है, खुद जो शिकार कर रही है, इनका जो शिकारी उनको से बचाव के लिए या उसको शिकार को पकड़ने के लिए इनकी साइट जो होती है बहुत विकसित प्रकार की होती है,
आईज ऑफ रेप्टाइल्स आर वेरी लार्ज, आंखें बड़ी होती है और इन पर मुंह। तो जो स्नेक्स हैं, गिकोज जो है, छिपकलियाँ, उनके में ये मूवेबल आईलिड्स नहीं होती हैं। और रेप्टाइल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट कैन सी वेरी वेल इन द डार्क, ठीक है। रेप्टाइल जो रात को ज़्यादा सक्रिय होते हैं वो भी अंधेरे में भी आराम से, आसानी से इसकी सहायता से देख सकते हैं। हियरिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गेन टू रेप्टाइल्स, इनमें श्रवण अंग जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। साउंड वेव्स फर्स्ट स्ट्राइक्स द टिम्पेनम ईयर ड्रम, या जो दिख रहा है एक कान से दिख रही है, तो यहाँ पर वो आवाज़ टकराती है ड्रम पर और ट्रांसमिटेड टू द इनर ईयर की ओर ये ट्रांसमिट करती जाती है। स्नैक्स लेके टिम्पेनम, स्नैक्स जो सांप जो है उनमें ये टिम्पेनम नहीं होता है, तो उनको सुनने में श्रवण अंग नहीं होते हैं, तो जो वो आवाज़ कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो जो ग्राउंड वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, झंझावत जो होते हैं उनको ये उनके जो जबड़े की जो अस्थि है उनके द्वारा ये उस साउंड को ये कुछ महसूस करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है, रेप्टाइल्स स्टिक देयर टंग्स, इनकी जो टंग्स होती है वो चिपचिपी होती है, जो इनको कीट या जो भी इनका शिकार उनको ग्रहण करने में सहायक होती है। स्मॉल पार्ट कम इम्पोर्टेंट विद द जेकबसन ऑर्गेन, एक इनमें इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है जेकबसन ऑर्गेन जो है वो स्पेस लाइट सेंस ऑर्गेन है, संवेदी अंग है। द रूफ ऑफ द माउथ ऑफ द मेनी रेप्टाइल्स, यहाँ पर जो माउथ की जो रूफ वाला पार्ट है उसके ऊपर ये उसमें ये पाया जाएगा। इट इज सेंसिटिव टू ऑडर, ठीक, गंध के प्रति ये सेंसिटिव है, गंधग्राही अंग है। यूज टू टेस्ट द एनवायरमेंट, वातावरण में जो भी कोई गंध ग्रहण करना है उसको ये जैकबसन ऑर्गेन द्वारा उस गंध को ग्रहण किया जाता है। सेंसिटिव सिस्टम, स्नेक्स आर एबल टू डिटेक्ट हीट गिवन ऑफ बाय वार्म बॉडीड प्रे, के अंदर भी हीट सेंसिटिव पिट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक आंख के नीचे एक हीट सेंसिटिव पिट्स होते हैं जो उष्मा के प्रति संवेदी होते हैं। पिट्स अलाउ द स्नेक टू डिटेक्ट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रे, शिकार का जो डायरेक्शन है उस डिस्टेंस है उसको मालूम करने में ये जो पिट्स जो है वो सहायक होते हैं। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं, एक्टोथर्मी के पहले अपन ने बात की थी, वातावरण के अनुसार इनका शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है। दे कैनॉट हीट देयर ओन बॉडी बाय यूजिंग देयर मेटाबोलिज्म, जो वार्म ब्लडेड होते हैं मेमल्स से बर्ड्स, ये तो अपने मेटाबोलिज्म के द्वारा टेम्परेचर शरीर के तापमान को संतुलित रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, नियत बनाए रखते हैं, लेकिन इनका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ इस एनवायरमेंट, ठीक है। तो धूप धूप सेकते भी रहते हैं कई बार, जैसे अपने मगरमच्छों को देखा है और है, ठीक है, बॉडी को वार्म करने के लिए। बहुत कम टेम्परेचर पर जो है रेप्टाइल्स है वो स्लो डाउन हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं थोड़ा। इसके अलावा रेस्पिरेशन में विकसित प्रकार के लंग्स, फेफड़े पाए जाते हैं, और हार्ट जो है वो इनमें लगभग लगभग 4 चैम्बर्स का बनना बन जाता है, क्रोकोडाइल तक आते आते 4 चैम्बर्स का हो जाता है। सॉरी, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, यहाँ देख रहे हैं अपन लंग्स जो है एम्फीबिया का, ये टर्टल्स का, ये बर्ड्स और मैमल्स का, तो यहाँ पर रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर है, जो क्रोकोडाइल तक आते रहते हैं 4 चैम्बर हो जाता है। एक्सेप्टम है जो इनको वेंट्रिकल्स को पार्शली डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट हाफ में। वो ये ऑक्सीजन डिलीवर टू द बॉडी सेल्स मोर इफिशिएंटली इन रेप्टाइल्स देन इन एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस के बजाय रेप्टाइल्स भी जो है ऑक्सीजन ज़्यादा इफेक्टली एफिशिएंटली डिलीवर्ड होती है, क्योंकि इनमें हार्ट थोड़ा और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। रिप्रोडक्शन जो इनमें आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये मोस्टली ओविफेरस होते हैं और अंडे देते हैं ये, अंडों से हैचिंग के बाद में जो है वो मैच्योर जो है उसका एग हैच फ्रॉम एग्स दैट आर लेड आउटसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है, हैचिंग के बाद भी यंग वंस का उसमें उद्भव होता है। सम कुछ स्नेक्स और लिजार्ड्स जो है वो ओवोविपेरस भी है, फर्टिलाइज एग्स
रिमेन इनसाइड द फीमेल्स बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो फर्टिलाइज एग है वो काफ़ी टाइम तक फीमेल बॉडी में रहते हैं और हैचिंग भी होती है वो इनसाइड द फीमेल होती है, जिसको अपन इस घटना को अपन ओवोविविपेरेस कहते हैं। दिस प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स, जो शिकारी हैं उनसे बचाव के लिए युक्ति है ओवोविविपेरिटी। मोस्ट रेप्टाइल डू नॉट केयर फॉर देयर यंग, उनके इतना पितृ रक्षण इनमें नहीं पाया जाता है। एलिगेटर्स और जो क्रोकोडाइल हैं वो इसका अपवाद, इनमें पितृ रक्षण पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें एमनियोटिक एग पाया जाता है। एमनियोटिक एग्स कंटेन बोथ ए वाटर सप्लाई और फूड सप्लाई, इन एग्स में पाई जाती है। पोषण इसके अंदर होता है जिससे वो भ्रूण जो है पोषण लेते हैं। एमनियोटिक एग्स की टू रेप्टाइल सक्सेस एज ए टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो इनके सक्सेशन का जो मेन कारण है ये सफलता का वो एमनियोटिक एग है, जो जल प्रतिरोधी होता है और इस पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच भी होता है, जिनको क्रीडोग एग्स भी कहते हैं। तो जिनमें एमनियोटिक एग्स पाए जाते हैं, एमनियोट्स जैसे ये रेप्टाइल्स बर्ड्स और मेमल्स, इतनों मिला करके एमनियोट्स कहलाते हैं। इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। द सेल कवच जो है और एल्बुमिन है वो प्रोटेक्ट एंड कुशन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की सुरक्षा करते हैं और इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुशन के रूप में भी ये एल्बुमिन काम आती है जो एम्ब्रियो के लिए, और इसमें एक पोषण भी खूब भरा हुआ है एम्ब्रियो पोषण के लिए। कैसे योग से इसमें जो पाया जाता है पोषण के लिए, जो एमनियोन है चार प्रकार की इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। एमनियोटिक एग जो है इसमें चार प्रकार की मेम्ब्रेन है। एमनियोन कुशन से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए कुशन का काम करती है जो इसको सपोर्ट करती है। योग से में क्या होता है, एम्ब्रियो के लिए फूड सप्लाई होती है। ब्लड वेसल जो होती है वो योग से अटैच होती है। एलेंटोइस जो है वो स्टोर वेस्ट वेस्ट का स्टोर करती है उससे अच्छे पदार्थों को, और जो गैस एक्सचेंज है उसमें ये सहायक है एलेंटोइस, ठीक है। और चौथी जो है वो कोरियोन, अलाउज ऑक्सीजन टू एंटर द एग एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लीव द एग, ठीक है। तो कोरियोन के द्वारा कोरियोन श्वसन में भी सहायक है। तो ये चारों प्रकार की इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, एम्ब्रियोन, योक्सेक, एलेंटोइस और कोरियोन। तो एक स्पेशल इनका कैरेक्टर है कि इनमें एम्ब्रियोटिक एग पाए जाते हैं जो इनके सर्वाइवल का सक्सेशन का कारण है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य लक्षण थे रेप्टाइल्स के। अगले चैप्टर्स में अपने के रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।